अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त भाई खैर वाफियत से होंगे। जो भी शौक कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। अभी दोस्तों आपको कुछ दिखाना है, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वाला जो एक ये कबूतरी है, टैडी प्योर कबूतरी है, और वो उसका 7 बच्चा है। इसकी आंख ख़राब है एक, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाली आंख तो मुझे मुश्किल ही लगता है इसकी ठीक होगी, बाकी हम कोशिश पूरी करेंगे कि इसकी जो ये आंख है ना ये ठीक हो जाए। बाकी ये मादी है, इसकी दूसरी आंख माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गई, क्योंकि रात को काफ़ी ये ज़ख्मी थी आंख इसकी। ज़ख्मी नहीं थी, ख़राब थी, रेशा बना हुआ था, वो मैंने सारा उतार के साफ़ किया है। बाकी इसका भी इंशाल्लाह ताला मसला हल कर देंगे। देखें ये कैसे कर रहा है, इसको मसला बना हुआ थोड़ा सा, दाना वगैरह डालते हैं, इनको अलहदा बंद किया हुआ ताकि हमारे दूसरे कबूतरों को बीमारी ना आए। बाकी ये जो कबूतरी है ना दोस्तों, ये साथ वाले भाई ने दिए, वो कह रहे रखें शो करवाएँ हमें भी, और हमें भी पता चले ताकि हमारी जो कबूतरी है वो कितना टाइम निकाल के आती है। ये आप इनको उड़ाने के लिए रखो, बाकी एक बच्चा तो मेरे ख्याल से वो मुश्किल से ही रिकवर हो पाएगा। अगर तो रिकवर हो गया तो वो भी आपके इस वीडियो में दिखाएंगे, इसका इलाज भी बताएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। आज के वीडियो में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अगर कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि कौन से ड्रॉप्स इसके लिए इस्तेमाल करने चाहिए। बाकी ये जो हमारा एक चूज़ा है दोस्तों, इसको आप इसका फेस देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा सूज गया हुआ है, इसको काफ़ी मार पड़ी है, इसको एक चूज़े से मार भरी। उस चूज़े को मैं नीचे लेके गया था, उसको भी काफ़ी मार भरी है, जिससे इसको मार भरी ना वो अपने भाइयों से मार खा के नीचे गया था। उसका भी जो फेस था काफ़ी ज़्यादा नील पर के हुए थे, सूज गया हुआ था, तो उसको मैं नीचे ले गया था। किस वजह से नीचे लेके गया था कि चलो नीचे रहेगा ना तो ज़्यादा उसको मारनी पड़ेगी, उसके जो नील वगैरह भर गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा वो किसी को मारेगा क्या, खुद ज़ख्मी है, इसको मैंने इसके साथ छोड़ दिया, उसने इसका बुरा हाल कर दिया। और इसको अब मैं ऊपर लेके आऊँ कबूतरों के साथ छोड़ूंगा ताकि ये अपने आप को रिलैक्स करें। बाकी ये जो कबूतर है रात को बाहर ही रह गया था, उस छत पर था, ये कबूतर अभी भी मारा इस छत पर है। बाकी ये कबूतर है ना जो ये भी उतर चले गया हुआ था, और ये देखें दोस्तों दरवाज़ा भी थोड़ा सा खोला हुआ है। ये अब मैं क्या करूं, बच्चे खोल देते हैं, देखिए हल्का सा भी बिल्ली इसको करती तो ये खोल जाना था। बाकी चलें भी इनको खोला, खोलने के बाद इनको दाना वगैरह डालते हैं। ये मैं लेके आऊँ दाना, इसमें कनक बाजरा और चूज़ों को भी खोल देते हैं, और चूज़ों की ग्रोथ भी माशाल्लाह चेक करें, ये देखें माशाल्लाह भाग्य, ये देखें माशाल्लाह। और इनमें से दोस्तों जो हमारी वाइट माती इनकी माँ है ना, वो मैं नीचे लेके गया हुआ था, वो जो है ना कुर्ग नहीं छोड़ रही थी, इनके साथ ही रह रही थी। मुर्गा हमारा अकेला था, वो वापस भी भेजना था, आपको पता है कि कसूर से कदम से मंगवाया हुआ है, वापस तो खैर अभी तक उन्होंने मांगा नहीं है, बहरहाल हमने तो वापस भेजना है ना। तो मैं चाहता था कि उसकी ब्रीड जल्दी से ले लें इस मुर्गे के साथ, ताकि हमारे पास कुछ वाइट बच्चे भी आ जाएँ। ये जो मुर्गा ना ये वाइट बच्चे भी डाल दें इंशाल्लाह ताला, उम्मीद पूरी लगाई हुई है। जिसके पास पहले छोड़ा था मुर्गा, वहाँ तो वाइट बच्चे निकले थे, अब हमारे पास देखते हैं वाइट बच्चे निकालता है कि नहीं निकालता। बाकी मैं इनको दाना वगैरह देता हूँ, अगर ये कबूतरों को भी दाना वगैरह डालते हैं। अभी दोस्तों छत के ऊपर हैं दोबारा से, और कबूतरों को खोला है, और जो दो कबूतर हमारे, एक बच्चा था और एक जो कबूतरी थी टैडी की प्योर बरी वाली, उसको हमने उसकी आंखों में हमने जो डाला वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आपकी भी अगर कोई भी कबूतरी की, कबूतरों की आंखें ख़राब होती हैं, चूज़ों की आंखें ख़राब होती हैं, तो आप वो उसकी आंखों में डाल सकते हैं कैप्सूल है। अगर उसके साथ भी आराम नहीं आता, मैं अभी आपको ऐसे वीडियोज़ पर ही वीडियोज़ पार्ट 1 पार्ट 2 बना के दिखाता रहूँगा। अगर इसके साथ कल तक ठीक से मुझे लगेगा ना कि ठीक से इसकी आंखों को आराम नहीं मिल रहा, तो मैं मज़ीद आपको एक ड्रॉप बताऊंगा, आप वो ला के भी डालेंगे ना इंशाल्लाह ताला, उस ड्रॉप से तो 100% इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। पहले हम कैप्सूल से ट्राई करेंगे, कैप्सूल का नेम है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आपको लाना पड़े तो आप ले कर भी आ सकते हैं। ये कैप्सूल है दोस्तों, ठीक है, इस कलर में आपको मिलेगा 50 रुपये का, आपको 40-50 रुपये का पत्ता मिल जाएगा, 10 कैप्सूल होते हैं। आपने किसी की भी अगर आंख ख़राब हुई है, उसकी आंख खोल के उसकी आंख में थोड़ा सा पाउडर डाल के अच्छे तरीके से ना उसको आंख में उसको मिला देना। बाकी मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ, माशाल्लाह कल तो उसकी आंखें नहीं खो रही थी, आज ये कबूतर रात को भी मैंने डाल दिया था, और जो बच्चा था उसकी आंख मुझे लगता नहीं था कि मतलब कि वो नज़र आएगी, तो अल्लाह का शुक्र है वो भी नज़र आ गई। उस बच्चे का भी मैं आपको आँख दिखाता हूँ और कबूतरी की भी आँख दिखाता हूँ। बाकी ये कबूतर खोले हुए हैं,
दाना वगैरह डाला हुआ है, तो अभी चार का टाइम हो रहा है। ये वो कबूतरी बैठी हुई है, ये देखें इसकी इधर वाली ही आंख में, इधर वाली ही आंख में हमने पाउडर डाला है, और ये अपने पाउडर को, उसको अब थोड़ी सी जलन हो रही है। जलन होगी ना, जो बीच में जरासीम होंगे वो जरासीम मर जाएंगे, मरने की वजह से, जलन होने की वजह से वो जरासीम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल ही। तो फिर इसकी आँख का जो इन्फेक्शन है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। बाकी इस चूज़े के भी दोस्तों, इस चूज़े को भी मार पड़ी है, एक चूज़े से काफ़ी मार पड़ी है इसको भी, मतलब कि ना नील वगैरह पड़े हुए हैं। इसको हम सेफ्रोन की गोली खिलाते हैं। दूसरा बच्चा दोस्तों ये है, बाकी मैं आपको ये दिखा, ये देखें जी माशाल्लाह से ये बच्चा मेरे ख्याल से भी ठीक से खाता नहीं है। बाकी इसकी भी आँख में भी मैंने डाला है, कल इसकी आँख ये वाली जो है ना दोस्तों, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, मतलब कि बंद थी, बिल्कुल बंद थी आँख, तो नज़र आ ही नहीं रही थी। खोल के भी देखा था, आँख नज़र नहीं आ रही थी। यही ऑक्सीडाटा साइक्लिन रात को मैंने डाला है, जब मैं सुबह आऊँ तो इसकी आँख नज़र आना शुरू हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रिकवर हो जाएगा बच्चे इंशाल्लाह ताला। और ये जो बच्ची है ना, ये बच्चा और ये वाली जो प्योर डैडी माती, ये हमें मिली है इधर से। मैं आपको ये भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये आपको जाल नज़र आ रहा है, इधर से दोस्तों हमें मिली है कबूतरी भी, और वो जो बच्चा है इधर से हमें मिला है। क्योंकि इनके पास आंखों की बीमारी का इन्फेक्शन आया हुआ, काफ़ी इनके कबूतर एक्सपायर हो गए हैं, तो उन्होंने हमें दो दिए हैं। अभी इनसे बात करेंगे, अगर हमें वो मज़ीद, मतलब कि वो कह रहे थे कि आपको एक दो दिनों में निकाल के देंगे मज़ीद, उनको मैं दिखाऊँगा भी, रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा, फिर उनको भी मतलब कि पता होगा कि बाकी यार, बाकी उन्होंने आगे पीछे दिए थे, उनसे कबूतर मर गए थे, आँखों का इन्फेक्शन था, जो आँखों का इन्फेक्शन इनके पास होंगे वो हम ले लेंगे, उनको ठीक करेंगे, रिकवर करेंगे, और हमारे पास भी इंशाल्लाह प्योर डैडी की ब्रीड आ जाएगी। बाकी अभी उनसे बात करेंगे, कह रहे थे कल आपको हम मज़ीद जो आँखों के इन्फेक्शन है वो हम आपको देंगे, आप उनको ठीक कर लेना, और आप शो करना, खुद भी उड़ाना और हमें भी शो करवाना। हमने कहा ठीक होगा जी, हम आपको शो करवाएँगे। बाकी चूज़ों को खोला हुआ है, इंजॉय करें माशाल्लाह से, भी काफ़ी बड़ा हो गया। मुर्गा हमारा अकेला है दोस्तों, जो इनकी माँ थी ना हीरी माती, वो नीचे बंद की हुई है, क्योंकि वो इनको छोड़ नहीं रही थी, और मुर्गा इनको चूज़ों के ऊपर अटैक करता था। अटैक करने की वजह से दोस्तों हुआ ये थे, पर काफ़ी चूज़े जो है ना मेरे ज़ख्मी हो रहे थे, फिर मादी को मैं नीचे ले गया हूँ। अभी तो फिलहाल फील करवा रही है कि उसने कुरक छोड़ दी है, अभी इसको मज़ीद देखेंगे, एक दो दिन देखेंगे, जुम्मे रात वाले दिन उस मादी को ऊपर ला कर इसके साथ छोड़ेंगे। बाकी आपको एक और छोटा सा सीन दिखाते हैं, देखें ये हमारा जोरा लगा हुआ है, लेकिन हम इसके साथ इसकी बिल्कुल भी ब्रीड नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो कबूतर है वो फैंसी है, और जो कबूतरी है वो फैंसी, और जो कबूतर है वो गोल्डन टैडी में है, तो हम इसके साथ ब्रीड नहीं लेना चाहते। बाकी एक और हमारा जो जोरा है ना, वो हमने बिल्कुल सेपरेट करके लगा दिया हुआ है। आप दोस्तों से गुजारिश है, जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ताला आपको हम अपने चैनल पर टैडी की भी ब्रीड दिखाएंगे, और जो भी उनको इन्फेक्शन या बीमारी कुछ भी होता है ना, उसका भी हम आपको शो करवाएंगे। एक जो जोरा है दोस्तों हमने इधर रखा हुआ है, चूज़े जो है ना दोस्तों बिल्कुल भी मुझे मतलब कि सही से नहीं कुछ भी केयर करने देते, क्यों नहीं करने देते, जहाँ भी जाता हूँ पीछे पीछे आते, कबूतरों को भी तंग करते हैं। अभी इनमें से दो कबूतर थे दोस्तों जो हमने पकड़े थे, एक ये जो पीछे है इस ब्लैक वाले के पीछे, ये भी उड़ना शुरू हो गई थी, मादी थी, ये कभी उड़ के काफ़ी ऊपर जाती थी, एकदम से डर ही लग रहा था कि नहीं नहीं मादी कहीं भाग ना जाए, फिर से इसके पर मैंने काट दिए थोड़े से, ताकि एक तरफ से काटें ताकि ये इतना उड़े ना, इधर ही छत के ऊपर ही बैठ सके। उसके अलावा ये जो काला कबूतर है, ये भी भाग के वापस चले जाता था, इसके भी पर मैंने काट दिए। अच्छा भला ये यहाँ पर पक्का हो गया हुआ था, पता नहीं ये वहाँ पर जाना इसने क्यों शुरू कर दिया। बाकी ये दोस्तों आज की वीडियो का छोटा सा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको और मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट दिखाऊंगा, इंशाल्लाह ताला इससे हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, जो भी आंखों का इन्फेक्शन है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, अगर हम कोशिश करेंगे ना कि एकदम से ही मतलब कि रातों रात ही ठीक हो जाए, वो उससे कबूतर एक्सपायर हो जाते हैं, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि एक जल्दबाजी ना करें, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक उसको होना बेहतर है, उनका नुकसान करने से बेहतर है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब प्रूफ ज़रूर करना चैनल को। अल्लाह हाफिज़।